इसके लिए हमको लेना पड़ेगा कोई भी दीवार की घड़ी और 3.7 वोल्ट, कोई भी बैटरी चाहे मोबाइल की हो या लैपटॉप बैटरी। मैंने यहाँ पे 18650 मॉडल बैटरी ली है। साथ ही लेना पड़ेगा 5.6 ओम एक रजिस्टर, आयरन 4060 डायोड जो कि 6 पीस लेना होगा। अभी हम 4 डायोड लेकर उसका ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। 2 डायोड को जो सिल्वर साइड है उसको हम पहले एक दूसरे पर कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरे 2 डायोड लेंगे और जो सिल्वर साइड के अपोजिट साइड है उन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर लेंगे। अभी जो है जो दोनों दो दो डायोड का जो ग्रुप बना है हमको एक दूसरे पर रख कर कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से 4 डायोड का एक ब्रिज रेक्टिफायर तैयार हो जाएगा। याद रहे दोस्तों कि जो जिस 2 डायोड के सिल्वर साइड जिस जगह मिलते हैं उस जगह पॉजिटिव होगा आउटपुट। यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव आउटपुट है और ये नेगेटिव आउटपुट है, और ये जो 2 है ये इनपुट है। अभी हम क्या करेंगे, इस ब्रिज रेक्टिफायर को बाकी कंपोनेंट ऐड कर देंगे। अभी लेना होगा हम बचे हुए 2 डायोड को सीरीज में कनेक्ट करना होगा, मतलब सिल्वर साइड 1 डायोड की तो दूसरा साइड विदाउट सिल्वर साइड, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। और जो है ब्रिज के जो पॉजिटिव साइड है आउटपुट वाली, वहाँ पे हम इस डायोड के नेगेटिव साइड को कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम रेजिस्टर को ब्रिज रेक्टिफायर के दूसरे साइड पे कनेक्ट कर लेंगे। अभी हम बैटरी को वायर से ऑर्डर करके सप्लाई के लिए वायर निकालेंगे। ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अभी हम बैटरी के दोनों वायरों को ब्रिज रेक्टिफायर के बचे हुए दोनों किसी भी साइड पर इसको सॉल्डर कर लेंगे। यह हमारा बैटरी कनेक्ट हो चुका है। अब ये जो 2 साइड बचा हुआ है, ये यहाँ पे जो रजिस्टर वाला साइड है वो नेगेटिव है, और जिधर पे 2 डायोड कनेक्ट किया है वो वाला साइड पॉजिटिव है। घड़ी के जो बैटरी वाला साइड है वहाँ पे पहले से ही 2 वायर मैंने सॉल्डर करके रखा था। अभी हम उसको पॉजिटिव साइड वाले वायर को डायोड वाले साइड पर कनेक्ट करेंगे। अभी बचा हुआ जो दूसरा वायर है उसको हम रजिस्टर पे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए हमने अभी इसे बैटरी से कनेक्ट किया है और ये वर्क कर रहा है, घड़ी अभी चलना चालू हो गई है। ये देखिए कुछ भी फेक नहीं है, टोटल रियल है। कनेक्शन करते वक्त यार के ब्रिज रेक्टिफायर का जो है जो 2 साइड सिल्वर साइड जिधर जहाँ पे मिलती है वो पॉजिटिव आउटपुट होता है, और जहाँ पे डायोड के जो विदाउट सिल्वर साइड कनेक्ट होते हैं
वहाँ पे नेगेटिव होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, सर्किट प्रॉपर वर्क कर रहा है, गाड़ी भी एकदम ओके चल रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।